दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर। जो है आपकी आंसर कीज तैयार की जा रही हैं, और जो आपकी आंसर कीज का हाफ पार्ट रह चुका था बीए फर्स्ट ईयर, बताइए आपको हिस्ट्री का बीए फर्स्ट ईयर का पार्ट वन आपको मिल चुका था 25 क्वेश्चंस तक। सेकंड पार्ट आपके लिए तैयार है, इसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चंस थे पेपर में। तो चलिए देखते हैं आपके क्वेश्चंस क्या कहते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं, 50 तो नहीं थे इसमें, 75 बोले गए थे क्वेश्चंस तो। लेकिन यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चंस में, ये अभी मेरे को एक मैसेज आया था कि मैडम ये एरर है, क्या है कि यहाँ पर 75 जो है मार्क्स बोले गए हैं और पेपर में क्वेश्चंस हैं 50। ठीक है, इस हिसाब से तो आपका ये 100 का बनना चाहिए, प्रैक्टिकल बेस आपका ये पेपर नहीं है, तो यहाँ एरर है, ये मैं आपका क्लियर कर दूँगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका 26 आपका क्वेश्चंस क्या कह रहा है और आपका आंसर क्या जा रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक एंड शेयर तो बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है और बेल आइकन हिट भी बनता है, करते रहिए लाइक एंड शेयर करते रहिए। आज आपकी आंसर काम की मिल चुकी है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको इंतज़ार होगा कि कहीं से हमें भी आंसर की मिल जाए तो हम भी थोड़ा सेटिस्फाई हो जाएं अपने आंसर्स को लेकर। तो लाइक प्लस एस करिए और नए नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा? तो ये तो बहुत ईजी था आपके लिए प्रश्न, महेंद्र और संगमित्रा को, और दोनों कौन थे ये, इनके पुत्र और पुत्री। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 ईसा पूर्व। ठीक है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपके 28। उत्तराखंड में स्थित अशोक का शिलालेख कहाँ है? तो ये प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट में मैंने बहुत अच्छे से कराया था, तो ये जो ऊपर का था आपका 27, ये वाला भी क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट में हुआ था और ये वाला भी आपका हुआ था। मुझे याद है कि मैंने कौन से क्वेश्चंस आपको कराए थे, आपको भले ही ना याद हो। तो इसका आंसर आपका कालसी है। आप इतने दिन से आंसर कीज के लिए बोल रहे थे, लेकिन अगर आप भी आंसर की अपनी बनाना चाहते तो बना सकते थे। कैसे? क्योंकि इतने प्रैक्टिस सेट मैंने आपको कराए थे और इतने मैंने आपको शॉर्ट वीडियोस सेंड किए थे, तो वहाँ से आपके आंसर आराम से मिल जाते आपको और आपकी आंसर की खुद से तैयार हो जाती। लेकिन कोई नहीं, चलिए आप, आपको मिल चुकी है अपने मिलाइए आंसर और नंबर ऐड कीजिए अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये जो नंद वंश का अंतिम शासक था, ये घनानंद था। अगर आपको याद हो तो ये आपका लास्ट ईयर भी आया था क्वेश्चन, मुझे याद है ये लास्ट ईयर भी आपका क्वेश्चन बना था और ये प्रैक्टिस सेट में मैंने एक नहीं दो तीन बार आपको कराया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजनीतिक दर्शन पर आधारित कौटिल्य की पुस्तक का नाम बताना है। इससे ईजी और प्रश्न कोई नहीं हो सकता था आपके लिए, अर्थशास्त्र। ठीक है, चलिए अब जैसे ये मुद्रा राक्षस है, कथा सरिसागर है, देवी चंद्रगुप्त है, इनके भी आपको नाम पता होने चाहिए। कौटिल्य की पुस्तक तो हो गई ये, कौटिल्य का दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए क्या है। अब इन तीनों पुस्तक के लेखक कौन है ये भी। अब MCQs अपने आपका जो चलो आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं, कोई बात नहीं, आपके नंबर अच्छे बन रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा अगर आप अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। इस पेपर में से हमने आपको आंसर की तैयार कर दी है, लेकिन कुछ इस तरह का मटेरियल यहाँ से आप निकाल सकते हैं जो इन फ्यूचर आपके काम आ सकता है, आपके सेकंड ईयर में, आपके थर्ड ईयर में। अब बताती हूँ कैसे आप इसको निकाल सकते हो। अब जैसे यहाँ तीन बुक के नाम हैं, तो इनके आप राइटर ढूँढिए, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़िए, अपने चिरपी नोट्स तैयार कीजिए। अब देखें यहाँ पर, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम पूछा है, पता चल गया घनानंद, लेकिन ये कौन थे तीनों, इनके बारे में भी पढ़िए। तो इस तरह से अपनी नॉलेज को थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा पढ़िए, है ना। अब है वर्षल कहा गया है, ये प्रश्न आपको मैंने कई बार कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य कुर्स की डिटेल भी मैंने आपको समझाई थी, अगर आपको याद हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। आप देखिए यहाँ वर्षल के नाम, चंद्रगुप्त मौर्य को
अब अशोक को भी कुछ कहा गया है, बिंदुसार को भी कहा गया है, इनको क्या उपाधि दी गई है, क्या बोला गया है, पढ़िए इसके बारे में, ढूंढ के निकालिए इनको क्या कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर ने किसको मौर्य दरबार में भेजा? तो जो सिकंदर था उसने मौर्य दरबार में भेजा था मेगस्थनीज को, और ये प्रश्न भी आपको लास्ट मोड जो रिवीजन था वहाँ मैंने कराए थे, याद है कुछ? चलिए देखते हैं 33 प्रश्न आपका क्या कहता है। उत्तर वैदिक काल में कितने प्रकार के संस्कार का उल्लेख है? ये प्रश्न आपको मैंने बताया था 16 संस्कार, और ये प्रश्न भी मुझे तो लगता है कि आपके जो प्रश्न आए थे फर्स्ट पेपर में, जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट दिए थे, उन वहाँ से क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा बने थे, और इस वजह से आप लोग बहुत खुश थे कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया है। अब नंबर भी अच्छे आने चाहिए आप लोगों के, दोनों आपको दोनों पार्ट अब मिल चुके हैं, पार्ट वन कल मिला था आपको, पार्ट टू अब मिल चुका है, तो दोनों के ही आप मुझे नंबर ऐड करके बताएंगे कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। चलिए देखते हैं इनमें से क्या पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं आता है, ये प्रश्न भी आपका हुआ था, लास्ट मोड रिवीजन के क्वेश्चन हैं ये सारे आपके, धर्म कर्म मोक्ष, तो ये धन नहीं था, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 35, निम्न में से अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक किसने कहा है? तो यह कहा था कल्लड़ ने, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ये ब्लर पेपर है, ये पता नहीं किस तरह से पिक खींची गई हैं, ये मैंने नहीं बनाई थी पीडीएफ, ये बोला गया था किसी को बनाने के लिए, तो बहुत ही गंदी पीडीएफ बनाकर भेजी है, लेकिन आपके पास अपनी बुकलेट है तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस स्तंभ से लिया गया है? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सभी को पता है, सारनाथ से लिया गया है, और ये प्रश्न भी आपका प्रैक्टिस सेट में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद परिवार था किस कैसा पितृ सत्तात्मक? ये प्रश्न भी आपको मैंने कहा था कि मातृ पत्नी स्त्री ये सब चीज़ें आपको समझाई थी, और ये प्रश्न एक नहीं दो तीन बार आपको कराया गया था प्रैक्टिस सेट में। कपास उगाने का श्रेय किसे दिया जाता है कपास उगाने का श्रेय? तो जो कपास उगाने का श्रेय था वो सिंधु सभ्यता को गया है, ठीक है। मेसोपोटामिया को क्या गया है, चीन की सभ्यता को क्या है, आर्य का क्या है, इनका भी आप चेक करिए कि इन्होंने क्या, इनकी क्या क्वालिटी है या क्या विशेषताएं हैं। वेदों में कितने जनों का उल्लेख है? तो इसमें 10 का उल्लेख है, ठीक है, और ये मैंने समझाया था जन, ठीक है। समझ में आया कुछ, ये याद आया कुछ, अच्छे से ये चीज़ें मैंने बताई थी आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित से कौन सा संस्कार विवाह पूर्व था? ये प्रश्न भी आपका हुआ था, ठीक है। वहाँ पर शायद इस प्रश्न में कुछ कन्फ्यूजन भी स्टूडेंट को था, तो विवाह से संस्कार जो विवाह पूर्व होता था वह गर्भाधान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है। 41 पर हम आ चुके हैं, 10 क्वेश्चन और रह चुके हैं, नंबर अच्छे बन रहे होंगे आपके। निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र नहीं था, शाक्य था, लिच्छवी था, कौलिया था, लेकिन कुरु नहीं था गणतंत्र। चलिए देखते हैं, अब आपको इस तरह से भी याद रखना है कि गणतंत्र में कौन कौन से आते हैं, गणतंत्र में कौन सा नहीं आता है। निम्न में से स्वस्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है या किसकी है? तो वह सिंधु घाटी सभ्यता की देन कह सकते हैं, या वहाँ से हमें मिला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यूनानी राजदूत ने विष्णु के सम्मान में किस स्तंभ स्थापित किया था? ये प्रश्न भी आपका कराया गया था प्रैक्टिस सेट में, तो हेलियोडोरस यह एक स्तंभ स्थापित किया था। किस यूनानी राजदूत ने विष्णु के सम्मान में एक स्तंभ, तो किसने किया था, हेलियोडोरस ने, और ये प्रश्न भी आपका प्रैक्टिस सेट में था, मे भी शायद मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न लास्ट ईयर भी आपका बना था, चेक कीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट आपका, नवपाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? नवपाषाण के भी आपको क्वेश्चन कराए गए थे, तो जॉन लुआक ने किया था नवपाषाण शब्द का प्रयोग पहले, ठीक है, सबसे पहले। अब आते हैं 45 क्वेश्चन पर, बिम्बसार के समय मगध की राजधानी
कहाँ थी? बिम्बिसार के समय जो मगध की राजधानी थी वह कहाँ थी? तो वह थी राजगृह। ठीक है, मैंने कहा था पढ़िए, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, हालांकि अब आपकी ये वाली हिस्ट्री नहीं आएगी आपके सेकंड ईयर में, लेकिन फिर भी आपने ये कुछ सोच के लिया है सब्जेक्ट तो आपकी कमांड तीनों पर ही होनी चाहिए, बीए में तो होनी ही चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपस्टिक काजल के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं जनुद्रो गुजरात में, इस वक्त वहाँ पर भी लिपस्टिक और काजल लगाए जाते थे, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम जैन सभा जो आयोजित हुई थी वह पाटलिपुत्र में हुई थी, और ये प्रश्न मैंने एज इट आपको बताया था, और इस प्रश्न में मैंने आपको ये भी समझाया था कि आपको सारी ही सभाओं के बारे में पढ़ना है, कहाँ हुई थी, किसके उसमें हुई थी, किसके शासन में हुई थी, उपसभापति सभापति सबके बारे में, लेकिन इतना तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि प्रथम कहाँ हुई और किसके शासनकाल में हुई, चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आदमी ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो जो आदमी ने सबसे पहले प्रयोग किया था वह तांबे का किया था, तो इनमें से और कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग उसने किया और कब किया ये भी आप जानकारी रखिए। चलिए चलते हैं 49 क्वेश्चंस पर, क्या कहता है, निम्न में से आगमी का पता ही नहीं चल रहा, देख जूम करके देखते हैं इसको, हाँ आम्बी का शासन किन नदियों के बीच था? तो जो आम्बी का शासन था, एक मिनट ऐसा कर देते हैं इसको, हाँ आम्बी का जो शासन था वह झेलम एवं चिनाव नदी के बीच था, इसको याद करिए। चलिए देखते हैं, भीम बेटका क्यों प्रसिद्ध है? ये सभी को पता है कि गुफाओं के लिए और शैलचित्रों के लिए, युद्ध स्मारकों के लिए नहीं, ठीक है, इन दो के लिए भीम बेटका ये जो गुफाएँ हैं प्रसिद्ध हैं, कभी जाएँ तो देखें, बहुत अच्छी जगह है ये। चलिए वीडियो पसंद आई है तो लाइक प्लस एस तो बनता है, और नंबर जितने आए हैं आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है 50 क्वेश्चंस का, तो आप जो है 75 में से ना निकाल कर आप 100 में से निकाल कर मुझे दीजिए, वैसे तो आपके मुझे बता दीजिए 50 में से आपके कितने सही जा रहे हैं नंबर का, मैं अपना आप ही आइडिया लगा लूँगी कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और दूसरी बात, सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके जाइए, बेल आइकन हिट नहीं किया है तो करिए, हो सकता है जो नोटिफिकेशन आपको मिले वो आपके मतलब का ना हो लेकिन किसी और के मतलब का हो, उस फिर आप क्या करेंगे उसको लाइक प्लस शेयर करेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ साथ सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी की भलाई हो और सभी तक अच्छा कंटेंट पहुंचे और उनकी उनके मतलब का पहुंचे, ठीक है। आजकल 6 सेमेस्टर की स्टडी शुरू हो चुकी है हिंदी मिरर पर, तो आप हिंदी मिरर के सदस्य हैं तो 6 सेमेस्टर तक आप कंटेंट पहुंचाएंगे, ठीक है, सेकंड ईयर में हमारा आपका साथ बना रहे और हिंदी मिरर के साथ अपना प्यार और साथ हमेशा ऐसे ही बना के रखिए।